राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल समस्या समाधान पर फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है एक्वेरियम की लाल और काली मछलियों से बदलते हैं किस्मत के सितारे। घर में एक्वेरियम को रखना जहाँ एक ओर घर की खूबसूरती प्रदान करता है, वहीं उसे जीवंत भी बनाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भी एक्वेरियम को बहुत उपयोगी करार दिया गया है, क्योंकि इसे अगर सही स्थान और दिशा में रखा जाए तो यह परिवार के लोगों को खुशहाली का कारण बना सकता है। एक्वेरियम के भीतर बहने वाले पानी की आवाज़ घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह के साथ धन संपन्नता और खुशहाली को भी बढ़ाता है। अगर एक्वेरियम को घर के किसी ऐसे कमरे या कोने में रखा है जो पूरी तरह शुष्क है, तो वहाँ एक्वेरियम को रखने से उसे विशेष स्थान पर आर्द्रता और नमी स्थापित होती है और ऊर्जा में संतुलन कायम होता है। एक्वेरियम को घर के किसी भाग या किसी दिशा में रखा जाता है, यह बात बेहद महत्वपूर्ण है। भगुआ डायग्राम की सहायता से एक्वेरियम के लिए सही दिशा या उपयुक्त स्थान का चुनाव किया जा सकता है। घर का दक्षिण पूर्वी भाग एक्वेरियम रखने के लिए बेस्ट माना गया है। घर में संपन्नता और धन में वृद्धि करने के उद्देश्य से इस स्थान को पारंपरिक रूप से सही करार दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, आप घर के उत्तरी या पूर्वी भाग में भी एक्वेरियम को रख सकते हैं। घर का उत्तरी भाग कैरियर और प्रतिनिधित्व का करता है और पूर्वी खुशहाली को दर्शाता है। पारिवारिक शांति, अर्थात अगर आप एक्वेरियम को उत्तरी दिशा में रखते हैं तो ये आपके कैरियर ग्रोथ, और अगर पूर्वी दिशा में रखते हैं तो यह आपके घर में पारिवारिक शांति में बढ़ोतरी करता है। निषेध स्थान, घर के भीतर ऐसे स्थान पर कभी भी एक्वेरियम नहीं रखना चाहिए जहां भोजन बनता है या विश्राम किया जाता है, जैसे कि रसोई या बेडरूम। इसके अलावा घर के मध्य में भी कभी एक्वेरियम को स्थापित नहीं करना चाहिए। मानसिक तनाव, प्राकृतिक रोशनी के नीचे एक्वेरियम रखने से मानसिक दबाव और तनाव में कमी आती है। फेंगशुई के 5 तत्व होते हैं और एक्वेरियम के भीतर ये सभी तत्व संतुलन के साथ मौजूद हैं। जब ये 5 तत्व एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो यह ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। फेंगशुई का पहला तत्व है पानी, और यह पानी के ही रूप में एक्वेरियम में मौजूद है। दूसरा तत्व है धरती, यह कंकड़ पत्थर आदि के रूप में एक्वेरियम में रहता है। तीसरा तत्व है अग्नि, जो रोशनी या लाल पीले नारंगी रंग की मछली के साथ के तौर पर गिनी जाती है। गोल्ड फिश, फेंगशुई एक्सपर्ट के अनुसार एक्वेरियम के भीतर एक काली रंग की मछली और 8 नारंगी रंग की मछलियां होनी चाहिए। फेंगशुई के अनुसार एक गोल्ड फिश बेस्ट मानी गई है। लाल और काली मछली, 8 लाल और 1 काली फिश को एक्वेरियम के भीतर के जरिए घर में रखने से घर में खुशहाली और ऊर्जा सौभाग्य का प्रभाव बढ़ता है। अगर आपके एक्वेरियम की कोई मछली मर जाती है तो उसे जल्दी से जल्दी हटाकर उसके स्थान पर नई मछली को फिश टैंक में डालें। अपने एक्वेरियम में किसी भी प्रकार की गंदगी ना छोड़ें। फेंगशुई के अंतर्गत 8 नवंबर बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है, लेकिन जब एक्वेरियम में रखी जाने वाली मछलियों की बात आती है तो फेंगशुई एक्सपर्ट के अनुसार 9 नवंबर खुशहाली का प्रतीक है। इसलिए एक्वेरियम में रखी जाने वाली मछलियों की संख्या 9 होनी चाहिए। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। साथ ही दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाले और भी अच्छे अच्छे टॉपिक आप तक पहुँच सकें। क्योंकि दोस्तों, हमारे इस चैनल पर ज़बरदस्त टॉपिक लेकर आ जाते हैं, जिनकी सहायता से आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं।